आज की कक्षा में हम दशमलव संख्याओं का भाग का अभ्यास करते हैं। देखते हैं कि हम दशमलव संख्याओं के साथ भाग की संक्रिया किस प्रकार करेंगे। हमारे पास एक प्रश्न है 116.8 / 8। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में देखा है, इसे हम कुछ इस तरह से भाग को लिख लेते हैं 116.8 और यहाँ आर जो है भाज्य। यह हमने पिछली भाग की कक्षा में इसको हमने और भी अच्छे से देखा है। अब चलिए हम एक एक जो संख्या है स्थान है उसके लिए हम अलग अलग पहाड़ा पढ़ते चलेंगे। जैसे यहाँ पर एक है, अगर आपको आठ का पहाड़ा याद नहीं है तो हम यहाँ आठ का पहाड़ा भी बना सकते हैं। इस तरह से 8 × 8 = 16, 8 = 24 ऐसे। अगर याद नहीं है तब की बात है, 8 × 80। अगर आपको याद है तो सीधे हम यहीं से हम भाग शुरू करते हैं। चलिए आज का पहाड़ा एक के लिए पढ़ते हैं, 8 × 8। हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा हो गया एक बार में तो शून्य बार पढ़ेंगे, 8 × 0 = 0। घटा लीजिए, एक में से शून्य घटाए एक। अब इस एक को हम यहाँ उतार लेते हैं, यह हो गया 11। चलिए 11 के लिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 16। 16 जो है 11 से ज्यादा हो गया, दो बार में 16 तो एकम तक पढ़िए, 8 × 8। 11 में 8 घटा लीजिए, 3 बचा और यह हम 6 उतार लेते हैं, यह हो गया 36। अब 36 के लिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 × 8 = 8 × 16 = 8 × 24 = 8 × 32 = 8 × 5 = 40। हम देख रहे हैं 8 × 5 = 40, पांच बार में पंचे तक में यह 40 हो गया ज्यादा तो चौक तक पढ़ेंगे, 8 × 32। घटा लीजिए, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 3 गया 0। अब हमारे पास कौन सा बचा, ये दशमलव के बाद का 8। हम जैसे ही यहाँ दशमलव के बाद का 8 उतारेंगे हमें भागफल में दशमलव लगाना है। यह हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही भाज्य दशमलव के बाद के कोई अंक को हम उतारेंगे वैसे ही हमें भागफल में दशमलव लगाना है। अब इस 48 के लिए हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 8 × 6 सीधे 8 × 6 = 48। घटा लेते हैं, 0 = 0। तो इस तरह से हमें भाग की क्रिया करनी है। हम यहाँ से भाज्य भाजक भी लिख सकते हैं, भाज्य भाजक भागफल और शेष फल। भाज्य हमारा है जिसको हमने बांटा तो यह है 116.8। भाजक यह जिसका हमने पहाड़ा पढ़ा, 8 जितने भागों में बांटा भी कर सकते हैं। भागफल 14.6 और शेष फल यहाँ नीचे हम देख रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, शून्य बचा है तो शेष फल 0। तो इस तरह से हम भाग कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं हमारे पास, इसको भी हम उसी तरह से लिख लेते हैं, 36.12 / 6। ठीक, अगर हमें 6 का पहाड़ा याद नहीं है तो हम 6 का पहाड़ा भी बना सकते हैं पहले से। तो चलिए 6 के लिए 3 के लिए देखते हैं, 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 × 6। हम देखते हैं कि जैसे ही एकम तक हमने पहाड़ा पढ़ा 6 3 से ज़्यादा हो गया तो शून्य बार पढ़ेंगे, 6 × 0 = 0। घटा लीजिए, 3 और 6 उतार लीजिए,
तो यह हो गया 36। अब 6 का पहाड़ा, इस 36 के लिए 6 छक्का हम देख रहे हैं, 6 छक्का 36 पूरा पूरा घटा लीजिए, शून्य शून्य। अब हम उतारेंगे एक, हम दशमलव के बाद कम उतार रहे हैं तो हम यहाँ दशमलव लगा लेते हैं भागफल में। हमेशा ध्यान रखिए हमें एक एक अंक ही उतारना है, जैसे यहाँ शून्य आ गया तो हम सीधे 12 नहीं उतार सकते, हमें पहले एक उतारेंगे, एक को 6 से भाग देंगे और जो आएगा उसमें फिर 2 उतारेंगे और फिर भाग देंगे। तो चलिए एक के लिए 6 एकम 6, एक से ज़्यादा होगा तो शून्यम दबर 6 शून्यम शून्य, एक बचा। अब इस 2 के उतारेंगे, क्योंकि हम दशमलव लगा चुके हैं इसलिए हमें बार बार दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं। अब हमारे पास है 12, 6 दूनी 12, ये 12 में से 12 घटाया तो हमारे पास शून्य। अब इसमें भी हम देख लेते हैं भाज्य भाजक, भाज्य भाजक भागफल और शेष फल। चलिए भाज्य, हमारा यह भाज्य है, यह 36.12, भाजक है 6, 6 बराबर भाग में बांटा है हमने तो भाजक 6, भागफल ऊपर में है 6.02, 6.02 और शेषफल यहाँ कितना है, शेषफल शून्य, तो यह हो गया शेषफल शून्य। तो इस तरह से हम भाग भी आसानी से कर सकते हैं।